जय श्री राम दोस्तों। भगवान राम के चरित्र को कई लोगों ने लिखा, इनमें कुछ रामायण बहुत ही प्रामाणिक मानी जाती है। इन्हीं में से एक है आनंद रामायण। आज हम आपको आनंद रामायण की एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको भी बहुत चौंकाने वाली लग सकती है। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों से शेयर करें और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। रावण द्वारा सीता हरण की कथा तो हर कोई जानता है, पर एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने न सिर्फ राम की पत्नी सीता का हरण किया था बल्कि उनकी माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। ये कथा आनंद रामायण में वर्णित है। आपको बता दें कि आनंद रामायण वाल्मीकि की मूल कृति रामायण से अलग रचना है। आनंद रामायण में लेखक का नाम तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इसे भी वाल्मीकि ने ही लिखा है। आनंद रामायण की कथा के अनुसार रावण ने कौशल्या का अपहरण राम के जन्म से पूर्व ही किया था। रावण को ब्रह्मा जी ने बताया था कि राजा कौशल की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होने वाला है और उनसे जन्मा पुत्र राम उसका वध करेगा। ये सुनकर रावण पहले अयोध्या आया। वहां राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण ने उन पर हमला करके उनकी नाव डुबो दी। इसके बाद रावण ने कौशलपुरी जाकर कौशल राज को भी पराजित किया और उनकी कन्या राजकुमारी कौशल्या का अपहरण कर लाया। उसने कौशल्या को एक संदूक में भरकर तिमंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया और फिर लंका वापस लौट गया। तिमंगल कौशल्या को अपने मुंह में दबाकर घूम रही थी कि तभी उसका सामना पानी में अपने दुश्मन से हो गया। तिमंगल ने उस संदूक को एक निर्जन टापू पर रख दिया और अपने शत्रु से युद्ध करने चली गई। इतने में रावण के हमले से बचकर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को पकड़कर उसी टापू पर पहुंच गए जहां संदूक में कौशल्या पड़ी हुई थी। उस निर्जन टापू पर उस संदूक को देखकर दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें कन्या को पड़े देखकर उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही। दशरथ और कौशल्या ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत भी उसी संदूक में छिप गए। तिमिंगल ने वापस लौटकर संदूक को फिर से अपने मुंह में छुपा लिया। रावण को लगा कि उसने अपनी मृत्यु को पराजित कर दिया है। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि उसने दशरथ को मार दिया और कौशल्या का अपहरण कर उन्हें छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ और कौशल्या के बीच प्रणय हो चुका है। ब्रह्मा जी से ऐसा सुनकर रावण ने तुरंत उस संदूक को अपने पास मंगवाया। उसने संदूक को खुलवाया और उसमें कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत को देखकर आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उनका वध करना चाहा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो ये तीन करोड़ हो जाएंगे और राम भी आज ही अवतरित होकर तुम्हारा वध कर देंगे। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तुम क्यों अपनी मृत्यु आने से पहले ही मरना चाहते हो। ब्रह्मा जी द्वारा समझाए जाने पर रावण ने दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र को जीवित छोड़ दिया और लंका चला गया। भगवान श्री रामचंद्र के कई चरित्र लिखे गए हैं और उनमें कई इस तरह की कहानियां भी हैं जो आम तौर पर हमने नहीं सुनी है, क्योंकि मूल रूप से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को ही अधिक प्रामाणिक माना गया है। इसके अलावा कंभ रामायण और आनंद रामायण जैसी रचनाएं भी हैं जिसमें भगवान श्री राम, दशरथ, माता कौशल्या आदि से जुड़ी कई ऐसी गाथाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। जय श्री राम।